हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लॉसिप्स। सो टाइटल तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, यू नो दैट टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दिस वेरी वेरी फ्लफी, वेरी वेरी वॉल्यूमिनस एंड वेरी वेरी बाउंसी ब्लो ड्राई रूटीन। सो इफ यू हैव बीन वॉचिंग मी ऑन माय अदर चैनल व्हिच इज ग्लॉसिप्स व्लॉग्स, यू नो दिस बाय नाउ दैट आई हैव अ सिग्नेचर ब्लो ड्राई स्टाइल। ये अभी मैंने इसको सिमर डाउन किया है, ठीक है, बिकॉज दे वर लिटरली फॉलिंग ऑन माई फेस लाइक क्रेजी और मैं इंट्रो शूट नहीं कर पा रही थी। So I had to simmer it down. This is also a very, very, very easy blow dry. ठीक है? So if you've been following me for a while, you know the fact कि मैं अपने बालों के साथ सब कुछ कर सकती हूँ और मैंने इस चैनल पे सब कुछ किया भी अपने बालों के साथ। I've cut them, colored them, drastically styled them, done so much with it. You guys know that. But there's one thing that I've never done to my hair, which is blow drying them. I used to either curl them or straighten them. That's because मुझे मुझे ब्लो ड्राई करने नहीं आते बाल, ठीक है। आई नो इट्स द मोस्ट सिंपल थिंग इन द होल वोकैबुलरी ऑफ हेयर स्टाइलिंग, लेकिन मुझे नहीं आते। व्हाट इज द इजिएस्ट वे टू एक्सप्लेन टू यू गाइस कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है विद ब्लो ड्राइज। सो बहुत सारे लोगों को एक बिल्कुल ही वो इस तरह का एक आउटवर्ड कर्ल पसंद होता है, कुछ लोगों को इनवर्ड कर्ल पसंद होता है। पर्सनली मैं इतना टाइम नहीं लगा सकती अपने बालों पे, इट्स लाइक एन एंटायर आर्म वर्कआउट बंदे की बस हो जाती है, आई कांट टेक दैट मच टाइम, ठीक है। सो आई कीप इट वेरी वेरी सिंपल एट द एंड्स, आई ओनली वर्क ऑन द क्राउन पार्ट, और वो क्राउन पार्ट सारे बालों को एम्फेसाइज कर देता है, इट ब्रिंग्स वॉल्यूम टू द एंटायर हेयर। एंड उस तरह से क्या होता है, मेहनत सिर्फ 10 मिनट की लगती है, देयर इज दिस एंटायर फ्लिक्ड आउट कट विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम अराउंड दिस एरिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही चपटे बाल नहीं अच्छे लगते। आई हेट इट व्हेन माय हेयर गो चपटा, सो दिस इज लाइक एन एंटी चपार्ट ब्लो ड्राई। ओह माय गॉड, आई विल नेम दिस द एंटी चपार्ट ब्लो ड्राई। नो आई कांट, दिस इज नॉट माय ब्लॉगिंग चैनल, मैं वहां पे कूल नहीं हूँ, यहाँ पे मैं कूल हूँ। सो लेट मी नेम दिस द ग्लॉसिप्स सिग्नेचर ब्लो ड्राई, बिकॉज या आई जस्ट रियलाइज कि मैंने कितनी सारी बातें कर ली हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड लेट्स गेट अहेड विद दिस ट्यूटोरियल। सो स्टार्ट विद डैम्प हेयर एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई पिक अप ऑल ऑफ द हेयर दैट आर द फेस फ्रेमिंग हेयर, यानी कि जो भी वो बाल हमारे चेहरे के ऊपर गिरते हैं व्हेन आवर हेयर आर ओपन, दिस इज दैट एरिया, द क्राउन एरिया, एंड आई एम गोइंग टू पुट देम ऑल अप एंड क्लिप देम अप सो दैट आई कैन वर्क ऑन द रेस्ट ऑफ द हेयर फर्स्ट। Because we're doing the blow dry ourselves, we also have to bring all our hair from the back to the front. Now I'm using the Kune blow dry spray all over my hair. एक तो ये heat protectant भी है और साथ साथ इसके साथ blow dry बहुत ही मजे का हो जाता है. So I really like to use this on my hair. I brush my hair after the heat protectant and I always try to brush my hair from the bottom, taking it to the top. इस तरह से बाल कम टूटते हैं और tangles आसानी से खुल जाते हैं, and I've been having crazy hair fall these days. So brush से अपने बाल तोड़ना is one thing that I just don't want to do anymore. Can you see the amount of hair that I just lost even after brushing them correctly? Yep, ये scene हो रहा है भाई। So I just realized कि थोड़े से और बाल इस तरह के हैं जो कि face पे गिरते हैं सीधा, like they frame the face. So I'm going to pick these up in sections and I'm also going to add these up to the already existing section ताकि इन पे मैं बाद में काम करूं and I can work on the rest of the head first. Now I'm going to take my blow dry और इसको मैं highest temperature और highest speed पे set कर रही हूँ and all I'm doing right now is drying my hair up. लेकिन हम इसको इसी motion में करेंगे if you want to follow the way that I do it. इस तरह से जो ये वाले सारे बाल हैं ये बिल्कुल ही straightened होंगे and I'm keeping my brush at the bottom side, यानी कि अंदर की side पे मैंने अपना brush रखा हुआ है and yes I work with a normal brush rather than a paddle brush, क्योंकि paddle brush से आपके बाल जो होते हैं वो curl हो जाते हैं, इससे the hair will stay straight. So even for the back side of the head,
दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट, ताकि पीछे से भी जो बाल हैं वो बिल्कुल सही से ड्राई भी हो जाएं और स्ट्रेटन भी हो जाएं. नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ द हेयर टुगेदर एक सेक्शन में, और मैं इसके ऊपर भी ब्लो ड्रायर को घुमाऊंगी लाइक 2-3 times जब तक मुझे लगे कि मेरे बाल सही से स्ट्रेटन हो चुके हैं एंड बालों में कोई भी गीले बाल या कर्ली बाल नहीं बचे. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इस जगह से हमारे बालों को बहुत वॉल्यूम मिलती है. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस स्टेप, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर हेयर अ लॉट ऑफ हीट, स्पेशली ऑन द हेड एरिया. कैन यू सी कि मैंने अपने ब्रश को रोटेट करके भी काफी सारी हीट दी ऑन द स्कैल्प एरिया, जस्ट सो दैट यहाँ से जो बाल हों बिल्कुल उठे हुए हों बाद में. नाउ आई नो कि एकदम से ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी और डिफिकल्ट लगना शुरू हो गया है, बट डोंट यू वरी अबाउट इट. एक दफ़ा आपका हाथ बैठ जाता है तो यू ऑटोमेटिकली गेट इन टू द ग्रूव ऑफ इट. सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना होता है दैट यू आर ऑलवेज होल्डिंग योर ब्लो ड्राई इन योर डोमिनेंट हैंड. अगर आप राइटी हैं तो अपने राइट हैंड में होल्ड कीजिएगा इसको, और अगर आप लेफ्टी हैं तो होल्ड इट इन योर लेफ्ट हैंड, बिकॉज दिस इज़ अ हैवी डिवाइस एंड दैट जस्ट सडनली फॉल्स और यू कॉन्ट डू इट राइट इफ़ यू आर नॉट होल्डिंग इट विद द करेक्ट हैंड. सो जस्ट लाइक दैट बातें करते करते हमारी एक साइड हो भी चुकी है एंड नाउ आई विल बी डूइंग द सेम टू दिस अदर साइड. सो इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वी आर जस्ट स्ट्रेटनिंग ऑल आर हेयर वाइल वी आर ड्राइंग इट अप. सो नाउ दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द हेयर ऑन द साइड्स आर डन, अभी हमारे बैक के जो बाल हैं दोज आर लेफ्ट. सो दिस इज़ वॉट आई डू टू वर्क दैम आउट. पहले उनको ऊपर से भी ब्लो ड्राई करने की कोशिश करती हूँ, साइडों से भी ब्लो ड्राई करने की कोशिश करती हूँ, एंड देन आई पिक दैम अप लाइक दिस ऑन माई पैडल ब्रश, और उसके बाद मैं अपने ब्लो ड्राई को ऊपर रख देती हूँ एंड आई स्लोली स्टार्ट मूविंग द ब्रश अपवर्ड्स. अगर आपके बाल छोटे हैं तो ऊपर ही चल जाएगा काम, लेकिन अगर बड़े हैं तो यू विल हैव टू ब्रिंग योर ब्रश फॉरवर्ड एंड वर्क ऑन देम लाइक दिस. यस, बहुत मशक्कत का काम है, मेरी शक्ल से पता चल रहा है, बट इवेंचुअली होता ही है दैट यू गेट हेयर दैट लुक लाइक दिस, विच लुक सो प्रिटी, सो परफेक्ट. ऑनेस्टली स्ट्रेटनिंग से ज्यादा मजे का रिजल्ट आता है बिकॉज दे लुक सो नेचुरल एंड ग्लॉसी. नाउ वी विल वर्क ऑन द सेक्शन जो कि हमने बाद के लिए छोड़ा था, बिकॉज दिस इज वेयर ऑल द मेहनत विल हैपन. I'm repeating all of those steps जो हम पहले कर चुके हुए हैं, putting on the blow dry spray plus the heat protectant, brushing the hair like this. You can see that. अब इसका भी यही सीन है कि पहले हम अपने ब्रश को रखेंगे नीचे की तरफ एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट ड्राई द हेयर आउट अ लिटिल बिट, क्योंकि पहला स्टेप ये होता है कि यू हैव टू ड्राई योर हेयर एंड उसके बाद यू स्टाइल योर हेयर. अब हमें जो बाकी के बाल थे उनमें कोई स्टाइलिंग करने की खास ज़रूरत नहीं थी, तो ऑल वी डिड वॉज ड्राई देम इन अ स्ट्रेट मोशन. इधर हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ वाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्राई दीज अप फर्स्ट. नाउ दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे सारा वॉल्यूम बिल्ड होना शुरू होता है, ठीक है. यू हैव टू ब्लो ड्राई दिस एरिया ऑफ योर हेड एंड इन द सेम वे ब्रश को इसी तरह से रख के बिल्कुल जो स्कैल्प से जुड़ा हुआ पार्ट है, जो हमारे चेहरे पे बाल गिरते हैं, उनको बाउंसी लाने के लिए वी हैव टू डू दिस स्टेप. टेक योर टाइम विद इट, डू इट 3-4 times जितना टाइम है, जस्ट डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है. आई ऑल्सो रिपीट दिस स्टेप अ लॉट ऑफ टाइम्स, अभी आगे भी यू विल सी कि मैं इसको काफ़ी बार रिपीट करूँगी.
Now it's finally that time that we use a proper blow drying tool, which is a blow dry brush. Now I know ये blow dry brush बहुत छोटा है और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ trying to fit all my hair into this. It's impossible, मुझे भी पता है, ठीक है. But that's not the main purpose of this right now. All I'm trying to do is get my hair back up in this motion, the way that they are right now, ताकि मैं इसको front और back दोनों जगहों से अच्छी तरह से blow dry कर पाऊँ, so that the hair are so warm over here कि वो dry होते होते अपना एक style पकड़ लें. This is the trick जहाँ से वो सारा bounce, जहाँ से वो सारा fluff आता है. You can see I'm trying to open this brush up a little bit और मैं अलग अलग sections पे, अलग अलग जगहों पे I'm trying to give it all the heat that I can give it. Now I guess I finally realized कि मेरा काम एक blow dry brush से नहीं होगा, so I got myself another blow dry brush और मैंने अपने इन front facing बालों को भी दो अलग अलग sections में करके अब blow dry करना शुरू कर दिया है. And this is what I always do, ठीक है. So I just clipped this section up, I will let it cool down now. ये सबसे main part होता है honestly, कि आप अपने बालों को थोड़ी देर इस brush में इसी तरह से रहने दें एंड लेट इट कूल डाउन, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि हमने अपने ब्लो ड्राई बाल कर करके कितने हीट अप कर दिए होते हैं. एंड अनलेस दे आर नॉट कूलिंग डाउन और हम इनको खोल दें तो वो बहुत ही फीके से रह जाते हैं, दे डोंट कम आउट विद दैट फ्लफ, दैट बाउंस दैट वी लव. सो अब मैंने इनको दो सेक्शंस में कर दिया है एंड आई एम जस्ट पिनिंग देम अप और उसके ऊपर से भी आई एम एडिंग सम एडिशनल हीट टू देम, ताकि जितनी देर भी दे कैन कुक लेट देम कुक. मैं इनको अच्छा खासा टाइम दे दूंगी टू जस्ट कूल डाउन लेटर एंड आई विल ओपन देम अप व्हेन दे आर प्रॉपरली कूल. Now after pinning them up you have to be a little patient. Why? Because the longer you keep this in your hair and you let them cool down, the better the results. I waited for a while and I will show you what my hair looked like after opening these up. I'm sure that you can already see the result because the waiting is so worth it. Let me show you what they look like. Abhi se you can see that fluff, can't you? Now imagine what they look like once I put them back. That is what they look like. Can you see कि कितनी जोर का एक वो fluff, वो bounce आया हुआ है. Although I have not even curled the lower part of my hair, वो तो बिल्कुल straight है. But the result is just so amazing, isn't it? पीछे से the hair look like this. I know that they're very less curly at the ends, but I don't opt for those. Now I'm going ahead with this glossy spray, which is also by Kune, and I'm just going to apply a little bit of it because I like to add that extra oomph jo glossy baalon ka aata hai. You know, Glossips loves glossy hair, so she's doing this. And that is the end result. Can you see how pretty that looks? I love it. Now I hope that you guys enjoyed this video, and if you did, please don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. I will catch you guys in my next one.